एक बार कंफर्म करेंगे। यस सर, सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? चलिए बच्चों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज फ्लूइड मैकेनिक्स में कुछ हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। एक तो बर्नौली थ्योरम हम पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एंड कुछ क्वेश्चन आपको अभी कराऊंगा मैं, ठीक है, आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे कुछ। चलिए, सो कोई क्वेश्चन बच्चों, प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, कीप रिवाइजिंग ऑल योर प्रीवियस नोट्स, ठीक है। आपकी रिवीजन क्लास चल रही है सारी, मैं ये नहीं कर रहा सिर्फ फिजिक्स की, आप बच्चों खुद से भी अपने जो प्रीवियस नोट्स हैं आप अपने सिलेबस साथ साथ में रिवाइज करते रहो, या तो आपका रिवीजन चलता रहेगा साथ साथ में। बच्चों रिवीजन पे ज्यादा फोकस करो, और जो जो पुरानी आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी है उनको फिर से सॉल्व करो। बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने मत बैठना अभी, ऐसा नहीं कि आपने कोई नई बुक खरीद दी या फिर नए बहुत ज्यादा नए क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर दिए। इतना हमारे पास टाइम नहीं है, मुश्किल से 10 दिन बाकी है। आपकी आई थिंक आपका 17 का 14 का है एग्जाम, 17 को आपके पास बच्चों आज, हाँ मतलब 16 दिन आपके पास, ठीक है। तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, जो आपने ऑलरेडी आपने जो ऑलरेडी पढ़ रखा ना बच्चों उसको अच्छे से रिवाइज करते रहो, आपने जो ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपने ऑलरेडी लगा रखे उनको फिर से लगाओ सोच समझ के, बहुत ज्यादा नए क्वेश्चन करने मत बैठना अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, हर कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो नया, बाकी आप पुराने क्वेश्चन को अच्छे से समझो। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल कॉन्सेप्ट सीखा था प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन ए क्लोज्ड एक्सेलरेटेड कंटेनर, हमने कल सीखा था ना ये कि नेट एक्सेलरेशन कितनी होती है बच्चों। कंटेनर है जिसकी एक्सेलरेशन ए है बच्चों, सो नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ए स्क्वायर, ए था ना, भूल गए? यस सर, ध्यान रखना जब भी कहीं एक्सेलरेशन होती है बच्चों, जब भी कहीं एक्सेलरेशन होती है बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन बच्चों वहां पे प्रेशर होगा, ठीक है। अब देखो अगर बात करूं यहाँ पे, ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इस ए पॉइंट पे हमारी हमारा प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर एट पॉइंट ए इट विल बी क्या अपना, देखो क्लोज है ना, क्लोज कंटेनर है तो ये जीरो हो जाएगा प्रेशर, प्लस में एच रो जी कंटेनर। अगर बच्चों अगर एक्सेलरेशन से स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाए एक्सेलरेशन से, तो बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन बच्चों अगर मान लो ये लेंथ एल है इस पॉइंट से, तो बच्चों यहाँ पे एक प्रेशर और एड हो जाएगा जिसको क्या बोलेंगे, रो ए, भाई एच रो जी था, एच क्या थी डेप्थ, रो क्या थी बच्चों डेंसिटी, जी क्या है एक्सेलेरेशन, सिमिलर यहाँ पे रो तो सेम रहेगी, एक्सेलेरेशन क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन कितनी है ए, और एल क्या बच्चों अपना, एल इज कि भाई जिस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है लास्ट पॉइंट से बच्चों कितनी डेप्थ में इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो देयरफॉर टोटल प्रेशर एट पॉइंट ए इट विल बी जीरो, जीरो क्यों, क्योंकि एटमोस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा क्योंकि अपना कंटेनर क्या क्लोज है, देन एच रो जी रो ए, समझ आई? यस सर, बच्चों देखो प्लीज ना, देखो आपके पास टाइम बहुत कम है, मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आपके टॉपिक फिर से प्रॉपर रिवीजन कराओ, ठीक है। तो जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो बच्चों, क्लियर है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। चलिए नाउ बच्चों, ये क्वेश्चन बच्चों आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको बस प्लीज अच्छे से समझो और ट्राई करो सॉल्व करने की, ठीक है। फंडा ये बच्चों की इनसाइड लिक्विड, अगर हमारा लिक्विड बच्चों रेस्ट पे ना, इनसाइड सेम लेवल पे जो पॉइंट होते हैं बच्चों उनका प्रेशर क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। अगर ऊपर से ट्यूब ओपन है तो आपको कैसा प्रेशर मिलेगा बच्चों, एक अपना एटमोस्फेरिक प्रेशर मिलेगा। अगर ऊपर से ट्यूब क्लोज बच्चों तो एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना जाएगा, जीरो। सो क्वेश्चन इज
द लिक्विड शोन इन द टू आर्म्स आर मर्करी, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 13.g. इसका मतलब क्या बच्चों, अगर मान लो वाटर है, अगर वाटर की आप अगर डेंसिटी मान लेते हो रो, तो बच्चों मर्करी की डेंसिटी कितनी हो जाएगी 13.6 टाइम्स रो। इसमें किसी को कोड आउट कोई क्वेश्चन? ठीक है ना, चलिए। नाउ क्वेश्चन इज, इफ द डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ मर्करी कॉलम इज 2 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ वाटर कॉलम। चलो बच्चे वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ट्रस्ट मी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। माइक खराब, कोई बात, चलिए बच्चों कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। यस सर, नहीं मैं बोल ही नहीं रहा कुछ, वॉइस कैसे आएगी, मैंने कुछ बोला ही नहीं। इसके बारे में हम कल बात कर चुके हैं ना भाई, अगर दोनों, देखो अगर दोनों जगह प्रेशर इक्वल है, तो अगर मैं बोलूं कि प्रेशर एट पॉइंट वन एंड प्रेशर एट पॉइंट टू मस्ट बी इक्वल, कितना हो जाएगा पी नॉट प्लस में हाइट, मान लो एच निकालनी है और वाटर है ना, वाटर की डेंसिटी कितनी मान लो हमने रो मान ली जी, विच इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट टू, कितना हो जाएगा पी नॉट प्लस में हाइट कितनी है H1, रो कितना है 13.6 इंटू जी, क्या जाएगा, इसमें किसी को डाउट है क्या? सो यहां से H की वैल्यू कितनी आ गई, सो 13.6 इंटू टू आ गया अपने हाथ में कितना है 27.2। देख कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये, मैं ये नहीं कह रहा कि सिंपल क्वेश्चन, मतलब मैं कह रहा हूँ कि इसको समझो बस, इसमें हो क्या रहा है, पहले तो ये चेक करो कि अपना फ्लूड क्या रेस्ट पे है, अगर रेस्ट पे है उसके अकॉर्डिंग अपना करो अप्लाई, क्लियर है क्या? आगे चले। यस सर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, रिस्पॉन्स करते रहो, कोई डाउट है पूछते रहो, बस अपने पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, और अगर मान लो आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया ना, तो बोलो सर क्वेश्चन नहीं समझ आया, फिर से समझा दो, ठीक है बच्चों। देखो मेन एग्जाम में परफॉर्म कैसे करोगे फिर, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझो बोल क्या रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन इज, एन ओपन यूट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कंटेन्स सम मर्करी, ठीक है भाई, पहले से मर्करी रखा हुआ था लेफ्ट वाला जो डायग्राम है, व्हेन 40.8 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वाटर इज पोर्ड इन वन आर्म ऑफ यूट्यूब, फाइंड हाउ हाई डज द मर्करी राइज इन अदर आर्म फ्रॉम इट्स इनिशियल लेवल। चलो ये ट्राई करो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी,
कर देता हूँ मैं तो। हिंट क्या है, अगर मान लो हमने जब पानी डाला तो मान लो एच हाइट नीचे चला गया, मान लो एच हाइट जो बच्चों नीचे चला गया मान लो अपना मरकरी, तो हाइट देखो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। सर ये पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है ना? बिल्कुल सही, ठीक है। डिफरेंस क्या है बच्चे देखो, हाँ हाँ कुछ बच्चों का आंसर है, अरे वाह बहुत ही अच्छी बात है। चलिए बाकी बच्चे, बच्चों बस ये करना आपको, बस प्रेशर इक्वल करना है। देखो मैं आपको छोटा सा आपको हिंट दे देता हूँ, देखो क्या करना है, देखो एक बार कि मान लो ये एच हाइट नीचे चला गया मान लो, ठीक अभी चला गया मान लिया, ठीक है, तो ये क्या जाएगा कि एच हाइट ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल सही। अब हमें करना क्या है, हमें तो भी प्रेशर इक्वल करना है, तो क्या करोगे, तो प्रेशर इक्वल कर देते यहाँ पे बस कर दो। अब देखो तो हाँ क्या बात है क्या बात, अभी चेक करते हैं मेरे दोस्त। चलिए एच टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, टू एच, तो करो फिर प्रेशर इक्वल। मान लो ये पॉइंट वन है, ये पॉइंट टू है, कुछ करना ही नहीं है अपने को, तो सो प्रेशर एट पॉइंट वन मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट टू, सो प्रेशर एट पॉइंट वन कितना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पी नॉट प्लस में हाइट कितनी देर की वाटर की 40.8, h रो, रो कितना है वही है, अच्छा वन दे रखा है, इंटू जी मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट टू कितना हो जाएगा पी नॉट प्लस में हाइट अपने को निकालनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हाइट कितनी निकलेगी, वो तो 2h निकलेगी ना सर, 2h कैसे? अरे प्यारे प्यारे बच्चों देखो अपने को इस लेवल से देखना है ना भाई, जो नीचे गया है देखो ये लेवल नीचे गया है, हमने इसके रिस्पेक्ट में लिखोगे ना आप, ये तो इस क्वेश्चन की ट्रिक थी। में देखो आपने रेफरेंस कहां से लिया है, आपने रेफरेंस यहां से लिया है ना, यस सर, रेफरेंस खुद ही दे दिया। अब यहां अपने को रेफरेंस खुद समझना पड़ेगा कि अगर मान लो एच हाइट नीचे गया मरकरी तो इधर से एच हाइट ऊपर उठेगा, तो टोटल लेवल में अगर हम ये रेफरेंस लेके चलते बच्चों तो लेवल में डिफरेंस कितना आएगा, 2h का डिफरेंस आएगा। अरे मेरी बात समझ में, 1.5 आएगा, कोई बात नहीं बिल्कुल, अभी देख लेते हैं। सो 2h इनटू में कितना है 13.6 इनटू में जी रो, सॉरी पी नॉट कैंसिल, दिस इज जी कैंसिल, तो बच्चों यहां पे आंसर आ जाएगा एच विल बी 40.8 इनटू 13.6, आंसर कितना आएगा बच्चों 1.5, बिल्कुल सही आंसर दिया, ठीक है। किस किस को ये क्वेश्चन नहीं समझ आया, बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है, ठीक है। समझो क्या है, ये है बच्चों कि मान लो अपने को प्रेशर निकालना है, मान लो बच्चों अपने को प्रेशर निकालना है भाई, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम क्या कर रहे थे बच्चों कि जो भी डेप्थ थी, जो भी क्या बच्चों डेप्थ थी उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे थे, प्रेशर निकाल रहे थे, सबको मेरी बात समझ आ रही है। अब बच्चों हमने लिक्विड को रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, अब लिक्विड को हम घुमा रहे हैं, ठीक है, याद करो अगर घुमाएंगे तो क्या होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, यस तो समझ आ रही है, यस सर। अगर मैं बोलूं कि थोड़ा डिस्टेंस पे जाके एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, आर, और अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर आर, ये बात किस किस को समझ आई सर, एक बार फिर से बताना,
अगर मान लो कोई चीज रोटेट करती है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगता नहीं लगता? यस सर। लग रहा तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी भाई? याद करो ना, वी स्क्वायर बाय आर होती है या फिर ओमेगा स्क्वायर आर होती है? ओके सर। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब होगा क्या अगर मुझे प्रेशर निकालना है, अगर बच्चों यहाँ पे मुझे इस पॉइंट पे मुझे प्रेशर निकालना है, तो क्या मैं प्रेशर को ऐसे लिख सकता हूं क्या कि पी नॉट ये क्या है एक्सेलेरेशन है बच्चों, एच रो जी होता था ना, एच रो जी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो जी की जगह एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर। और मान लो मैंने छोटी सी बिट ली है बच्चों, आपको मैं डेरिवेशन बस हल्का सा समझा रहा हूँ, बाकी तो हमें फॉर्मूला पे फोकस करना है। ठीक है, तो बच्चों डी कितना हो जाएगा, डी आर हो जाएगा। यहां तक किस किस को मेरी बात समझ आई? प्रेशर है। ठीक है, मैं आपको एक प्रेशर अपने को यहाँ पे रखा है, एक प्रेशर बच्चों यहाँ पे है, और एक मान लो हम प्रेशर यहाँ निकाल रहे हैं। अगर मुझे प्रेशर डिफरेंस निकालना है P2 माइनस P1 निकालना है, सो इट्स इंटीग्रेशन ऑफ dP, छोटा सा जो चेंज होगा, छोटा सा चेंज क्या होगा बच्चों, छोटा सा चेंज तो ये होगा ना, छोटा सा चेंज प्रेशर। रो ओमेगा स्क्वायर आर डीआर। ठीक है, लिक्विड कहां से खाया बच्चों अपना, लिक्विड है L1 से लेके मान लो x तक, तो बच्चों ओमेगा रो ओमेगा स्क्वायर और आर का आर डीआर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाय 2 लिमिट L1 टू x। सो देयरफॉर P2 विल बी इक्वल टू P1 प्लस में हाफ रो ओमेगा स्क्वायर इंटू x स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर। ये बात किस किस को समझ आई? और P1 यहाँ पे कितना बच्चों, एटमोस्फेरिक प्रेशर। बिकॉज ऑफ रोटेशन है ना, बिकॉज ऑफ रोटेशन है, जैसे ओमेगा जीरो कर दोगे तो बच्चों P2 किसके बराबर आ जाएगा, P1 के बराबर आ जाएगा। यस सर। अब बच्चों ना छोटा सा आपको ध्यान क्या रखना है, आप बस उसको सुनो एक बार बच्चों, ये जो P1 प्रेशर है ना, आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों कि ये जो P1 प्रेशर है ना, ये जो इस पॉइंट पे प्रेशर है नोट है, अगर मैं यहां पे लिखूं तो मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं क्या कि पॉइंट पे, सो प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या, पी नॉट प्लस में हाफ रो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मान लो बच्चों अगर इसके ऊपर कोई और प्रेशर भी होगा ना, आपको देखो यहाँ पे तो खैर एटमोस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, मान लो अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर के अलावा कोई और प्रेशर हो, तो मान लो यहाँ पे कुछ हाइट, मान लो ऐसे कोई लिक्विड हो, तो बच्चों आपको वो भी ऐड करना पड़ेगा। अगर मान लो इसकी हाइट एच है बच्चों, ठीक है, इसकी हाइट एच है, ठीक है, और यहाँ पे तो प्रेशर कितना हो जाएगा, पी ए विल बी इक्वल टू पी नॉट प्लस में रो जी एच प्लस में हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस L1 का। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? कहने का मतलब क्या बच्चों, जो बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है ना, उस पर जितना प्रेशर है आपको सारा का सारा लिखना है और उसमें ऐड क्या करना है, ये प्रेशर बिकॉज ऑफ रोटेशन। ये बात किस को समझ आई? क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा एक्स फॉर विच देर इज नो वॉटर स्पिलेज। चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। सर इसका क्या मतलब है नो वॉटर स्पिलेज? ये कि पानी उससे बाहर ना निकले। देखो अगर ज्यादा घुमाओगे तो पानी बाहर भी तो आ सकता है ना,
प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना, जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, सोल देखो कैसे करेंगे। सुना एक बार, मैं तो बोल रहा हूं, आप एक बार नोट मत करो, सुनो इसको भाई। इनिशियल कंडीशन ये है, ध्यान सुनो एक बार, इनिशियल कंडीशन ये है, ठीक है। ये कह रहा है कि इसको हम कितनी ओमेगा मैक्सिमम दें कि ये बाहर ना निकले, ठीक है। ये अपनी इनिशियल है और ये अपना फाइनल है। आपको बोलो फाइनल पे फोकस करना है, फोकस ऑन फाइनल। फाइनल फोकस करेंगे बच्चों तो यहां पे प्रेशर कितना है, पी नॉट प्रेशर है यहां पे, तो यहां पे प्रेशर कितना हो जाएगा बच्चों, ऑलरेडी पॉइंट ए है, ठीक है। सो प्रेशर एट पॉइंट ए इट विल बी इक्वल टू पी नॉट प्लस में हाफ रो ओमेगा स्क्वायर इंटू में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एल वन का स्क्वायर। एल वन वहां पे क्या था बच्चों, जो डिस्टेंस है, अगर मान लो हमारा लिक्विड यहां से स्टार्ट हो रहा है, बट यहां से तो लिक्विड बच्चों कहां से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, लिक्विड तो यहीं पे है। आ रही मेरी बात समझ में? सो पी नॉट प्लस हाफ रो एक्स वैल्यू कितनी बच्चों, कि हमें कितना दूर पे निकालना था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस जीरो हो जाएगा। कोई क्वेश्चन? नो सर। कोई क्वेश्चन पक्का? अब बच्चों देखो, हमें क्वेश्चन ये निकालना है कि ओमेगा कितनी हो कि वो बाहर ना निकले। तो बच्चों इसका मतलब आपको नहीं लगता कि यहाँ पे अगर मान लो दो मॉलिक्यूल है, यहाँ पे अगर मैं अलग से बनाऊं, यहाँ पे ऐसे ऐसे दो मोल, इस पे प्रेशर कितना बच्चों, ये वाला, और इस पे प्रेशर कितना हो जाएगा, रो जी पी नोट। ये बात किसको समझ आई, आपको नहीं लगता कि इक्वल होने चाहिए? अगर इक्वल नहीं होंगे तो क्या होगा, या तो वो जो लेवल है नीचे गिर जाएगा, या लेवल सर आपने लास्ट में क्या समझाया वो दोबारा बताना। देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, क्वेश्चन ये है कि हमने इस पॉइंट पे हमने बच्चों ये निकाल लिया, इस पॉइंट पे कितना प्रेशर ये हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन ये है कि हमें क्या पता चलेगा कि भाई ये कह रहा है कि वाटर बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसका मतलब अगर मान लो मैं जस्ट एक पॉइंट और मान लूं उसी पॉइंट के साइड में, तो यहाँ पे प्रेशर कितना है, पी नॉट प्लस में एच रो आएगा। तो ये दोनों आपको नहीं लगता कि इक्वल होने चाहिए, तभी तो वाटर रेस्ट में रहेगा ना। अगर इक्वल नहीं होंगे तो, अगर मान लो ये वाला ज्यादा है, अगर यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, तो ये क्या करते, इसको नीचे दबा देगा, नीचे दबा देगा तो लेवल के नीचे गिर जाएगा। ये बात किसको समझ आई, समझो कहने का मतलब क्या बच्चों, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे ना, आपको बस ये फोकस करना है कि आपको दो इस पॉइंट पे, ये यहाँ दो ना इन पॉइंट पे, आपको बच्चों प्रेशर इक्वल करवाने, तभी आपको डिजायर कंडीशन मिलेगी। तो देखो फिर अगर प्रेशर इक्वल है, यानी कि पी नॉट प्लस में ए रो नॉट प्लस में हाफ रो कैंसिल, एक कैंसिल, तो बच्चों यहां से ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, 2g डिवाइड बाय a, आंसर इज b।
ये बात किस किस को समझ आई? कंडीशन क्या है कि वाटर बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसलिए हमने बच्चों क्या कर दिया, पूरा शिफ्ट कर दिया, मैक्सिमम पानी कितना शिफ्ट कर दिया, ऊपर शिफ्ट कर दिया। यस सर, क्लियर। यस ठीक है। ये क्वेश्चन किसको समझ आया, इस क्वेश्चन को ट्राई करके बताओ। बिल्कुल डिटो सेम वही क्वेश्चन, बिल्कुल डिटो सेम क्वेश्चन। फिगर शोज ए यूट्यूब ऑफ बेस लेंथ एल इन विच ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इज फिल्ड सच दैट इट कंप्लीटली फिल्स द बेस लेंथ ओनली। ये शुरू की कंडीशन थी क्वेश्चन का। इफ द ट्यूब इज नाउ रोटेटेड एट एंगुलर स्पीड ओमेगा एज शोन, फाइंड द लेवल राइज ऑफ लिक्विड इन आउटर आर्म ऑफ ट्यूब। तो आपको बताना कि कितना राइज करेगा, कैसे करोगे। मान लो बच्चों इसने राइज कितना किया, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इसने मान लो राइज किया बच्चों एच, मान लो एच राइज किया, तो बच्चों एच यहां से कम भी तो हो जाएगा, बस यहां पे प्रेशर निकाल लो और दोनों प्रेशर इक्वल कर दो, बस सर यहाँ पे एक्स ले लेंगे। क्या करो बच्चे, सर यहाँ पे एक्स ले लेंगे, निकालना ना अपने को। सिंपल क्वेश्चन है, करो उसको। सर मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, यहाँ पे एक्स और एल क्या लेंगे, एल माइनस एच। हाँ बिल्कुल सही, एक क्या हो जाएगा, एक तो अपना एल हो जाएगा और एक अपने क्या हो जाएगा, तो एल माइनस एच। सकते हो आप इसको बच्चों वाई ले लो ना, एल माइनस एच की बजाय बच्चों, वेट 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 ठीक है, आप इसका आप एक काम करो, आप मतलब क्या है, एक सेकंड को, सॉरी वाई का मतलब एच ले लो, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अपने को तो ये देखना कि जो शुरू वाला जो एंड है, जो लेफ्ट वाला एंड है बच्चों, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर कितना है, वो तो फिर वाई मान सकते हैं आप। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर इनटू एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आया सबको समझ में बच्चों? यस सर। अब ये क्वेश्चन आप लेना ठीक है। क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। ऑलरेडी घूम रहा है बच्चों, आप इसको एक्स, आप इसको
कि मान लो एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, एक तो जगह बी नोट प्लस में जी आप जीरो सर आपकी वॉइस कट कट के आ रही है। यस सर। एक मिनट रुको। सर ऑप्शन ए। सर यहाँ पे जीरो कैसे आया? जीरो इसलिए आया ना क्योंकि अपने को यही देखना है कि एक्सिस और रोटेशन से अपना जो लेफ्ट वाला पॉइंट है वो कितना दूर है, तो वो तो जीरो दूर है। क्या करना अपने को, अपने को प्रेशर चाहिए। तो हमने ए पॉइंट वाला प्रेशर तो निकाल लिया ना, प्रेशर कितना गया? सो प्रेशर एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू क्या, पी नॉट प्लस में एक्स रो, ठीक है, एल स्क्वायर। और प्रेशर किसके इक्वल होना चाहिए बच्चों? ये जो दूसरा पॉइंट बी, प्रेशर एट पॉइंट बी, ये किसके बराबर है? ये हो जाएगा एच प्लस x rho g प्लस में p naught कैंसिल, और x rho g कैंसिल हो जाएगा। फाइनल क्या बचेगा? हाफ rho ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू क्या, h rho g, rho से rho कैंसिल, हमें क्या चाहिए, हमें तो h h विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर डिवाइड बाय 2 g। आई आंसर ये आंसर इज ए। बच्चों ये क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में 110% आ सकते हैं, 110%। आगे चले? यस सर। चलिए आगे बात करते हैं।
मैं आपको बस वैसे बता देता हूँ बच्चों, देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, अपनी ओमेगा कहाँ से थी, यहीं से पास कर रही थी, इसमें क्या है, डी से पास करोगी, तो इस बार क्या हो जाएगा, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, बस ये आ जाएगा। किस किस को मेरी ये बात समझ आई? यस सर। तो आंसर क्या आएगा फिर, क्या लगता है आंसर क्या होना चाहिए? बच्चों एक छोटी सी आपको लगता मिस्टेक है यहाँ पे, बच्चों एल की बजाय एल प्लस डी नहीं होगा क्या? किस चीज को समझ आएगी? हाँ जी एल प्लस डी, क्यों? क्योंकि भाई इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस कितना है बच्चों, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस देखना ना अपने को, वो तो एल प्लस डी है ना, मेरी बात समझ आई क्या बच्चों? अरे किसी को डाउट है क्या जो समझा रहा हूं मैं? नो सर। आगे चलते हैं नाउ बच्चों, ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है भी, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, बस अपने को जो तरीका हमने निकाला था ना वही तरीका है, क्या अपने को यहाँ पे प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर क्या जाएगा, ये देखो बस डिस्टेंस कितना दूर है, बस आपको कुछ नहीं देखना है, डिस्टेंस आ रहा है ना इस पॉइंट का। क्वेश्चन इज ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी इज इन अ बकेट दैट स्पिन्स विद एंगल ऑफ वेलोसिटी ओमेगा एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए ये बच्चों, ये वाला पॉइंट ए, आर डिस्टेंस स्मॉल आर है, ठीक है, विच इज एट ए रेडियल डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर एज शोन इन द फिगर, तो बच्चों प्रेशर कितना देगा, सो प्रेशर एट पॉइंट ए विल बी पी नॉट प्लस में हाफ रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आंसर विल बी ए। सर एक बार फिर से बताना, कल कॉन्सेप्ट है ना, सेम कॉन्सेप्ट यही यूज किया है कि भाई यहां से बस एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर कितना है, आर दूर है ना बस, अब आया समझ में? यहाँ पे हमने ट्यूब एज्यूम कर ली ना, एक हमने ट्यूब मान ली बस, ये ट्यूब है यहाँ पे, ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन फॉर्मूला में सिर्फ आर ऐड कर दिया अपना, भाई जितना दूर है पॉइंट, पॉइंट जितना दूर है, ये सारे के क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे यहां तक, इस ये जो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं ये वाले, ना बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखो, अभी तक हमने क्या देखा था बच्चों, हमने देखा था फ्लूइड स्टैटिक्स, क्या अब फ्लूइड हमारा बच्चों मोशन में है, अब जो लिक्विड है बच्चों वो क्या मोशन में है, ठीक है, सो स्टडी एंड एनालाइज मोशन ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है, फॉर बेसिक एनालिसिस वी यूज आइडियल फ्लूइड्स इंस्टेड ऑफ रियल फ्लूइड्स, आइडियल फ्लूइड कौन कौन से होते बच्चों, ठीक है, एक तो क्या होता है बच्चों स्ट्रीमलाइन फ्लो, मतलब क्या एट ए पॉइंट वेलोसिटी फ्लूइड पार्ट डज नॉट चेंज, ये आपको बता रहा हूं बच्चों, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आइडियल फ्लूइड के, सेकंड क्या इनकम्प्रेसिबल फ्लो, हम ये मान के चलते बच्चों कि हमारा जो फ्लूइड है वो आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब क्या है आप उसका वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते, आप उसकी डेंसिटी चेंज नहीं कर सकते, ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। थर्ड पॉइंट नॉन विस्कस फ्लो, ठीक है बच्चों आइडियल फ्लूइड क्या आपस में कोई विस्कस फोर्स नहीं लगाएंगे, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगाएंगे डिफरेंट डिफरेंट लेयर के बीच में, एंड फोर्थ इज इरोटेशनल फ्लो, फ्लूइड पार्टिकल्स डू नॉट इंपार्ट एनी रोटेशनल मोशन टू द यूनिफॉर्म बॉडी, ठीक है, सिंपल सिंपल बच्चे पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए, हम आइडियल फ्लूइड के बारे में भी बात करेंगे, जब विस्कस फोर्स आएगा ना आगे उसके बारे में अलग से बात करेंगे। क्लियर है क्या बच्चों? आगे चले yes. अब देखो बच्चों स्ट्रीमलाइन, बच्चों स्ट्रीमलाइन फ्लो कैसा होता है, बिल्कुल आइडियल फ्लो होता है बच्चों फ्लो, कैसे आपको दिख रहा है ये हर जगह आपको ऐसे दिखेगा, हर जगह सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन, यहाँ देखो क्या यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ बीच में कम हो गई, ये क्या बच्चों ये रेल फ्लूड है, तो ऊपर क्या है ज्यादा डेंसिटी है, नीचे क्या बच्चों कम डेंसिटी है, ठीक है, तो बच्चों हम क्या स्ट्रीम लाइन में क्या होता है बच्चों आइडियल मान के चलते हैं कि
जितने भी स्ट्रीम्स हैं, जितने भी क्या बोलते हैं अपने लेयर्स हैं, सबके बीच में पूछो सेम डिस्टेंस है। इसका मतलब क्या बच्चों, तो डेंसिटी क्या बच्चों, डेंसिटी भी कांस्टेंट मांगे चल रहे हैं। प्रोफाइल इन ए ऑफ ए फ्लोइंग फ्लूइड, बट एक्चुअली होता क्या है कि जब फ्लूइड जब ट्रेवल करता है ना, जब मूव करता है, तो जो नीचे वाले जो है ना लेयर्स जो ग्राउंड के साथ टच में है बच्चों, उनकी एक्चुअली स्पीड कम होती है, उनकी वेलोसिटी एक्चुअली बच्चों कम होती है। ठीक है, क्यों कम होती है? एक तो बच्चों सरफेस के कॉन्टेक्ट में है, वहां पे फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और बच्चों लेयर टू लेयर, बच्चों लेयर टू लेयर में भी उसका फ्रिक्शन फोर्स लगता है, इसलिए बच्चों जो टॉप मोस्ट लेयर है ना उसकी स्पीड क्या होती है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, ज्यादा होती है। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें नॉट टर्बुलेंट फ्लो बच्चों, जिसका मतलब जिसकी कोई वो नहीं है बेसिकली, क्या बोलते हैं अपना, वेलोसिटी इंक्रीज कर दे कहीं पे डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, कहीं पे क्या बोलते हैं ज्यादा वो होगी, कहीं पे ज्यादा लेयर्स होंगी, कहीं पे कम लेयर्स होंगी, जैसे आपको दिख रही है। देखो यहाँ तक तो क्या था, यहाँ तक तो आपने क्या है स्ट्रीम लाइन फ्लो था। ठीक है, स्ट्रीम लाइन। अब देखो क्या है, यहाँ पे देखो डेंसिटी ज्यादा हो गई है। ठीक है, यहाँ से उसके बाद उबड़ खाबड़ हो गए, टेढ़े मेढ़े चल रहे थे। ठीक है, चलिए नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ अपना फ्लूइड डायनेमिक्स क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब क्या है बच्चों, मास एंट्रिंग पर यूनिट सेकंड, ठीक है, या फिर रेट ऑफ मास एंट्रिंग विल बी इक्वल टू रेट ऑफ मास एग्जिटिंग, और इसको हम क्या बोलते हैं रेट फ्लो रेट। मास एंट्रिंग इज इक्वल टू मास एग्जिटिंग पर यूनिट सेकंड। तो मास कितना होता है, मास इनटू वेलोसिटी, सॉरी रो इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम के वजह कितना हो जाएगा ए वन इंटू में पर यूनिट कितना वॉल्यूम आ रहा है वी वन वेलोसिटी है इंटू में रो इंटू में एरिया ए टू इंटू में ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू। तो वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो बच्चों एरिया कम होगा, कंटिन्यूटी। डाउट? नो सर। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए रिवर ऑफ विड्थ 12 मीटर फ्लोइंग एट 20 किलोमीटर पर आवर मिक्सेस विद अनदर रिवर ऑफ विड्थ 8 मीटर फ्लोइंग एट 60 किलोमीटर पर आवर spreads in another stream of width 16 meter. Find the flow velocity of water after mixing, assuming that depth of the river are same. चलो बच्चे वाला try करो। देखो सबकी अगर depth equal है बच्चों, ठीक है, और अपने को क्या दे रखी है, अपने को दे रखी है विड्थ, तो एरिया कितना हो जाएगा अगर सबके बच्चों डेप्थ क्या मान लो, सबकी डेप्थ इक्वल मान लो, डी मान लिया हमने सेम डेप्थ, तो बच्चों एरिया कितना हो जाएगा फर्स्ट वाली का विड्थ इनटू डेप्थ डी, यानी कि 12 इनटू डी हो जाएगा। दूसरे का एरिया कितना हो जाएगा 8 इनटू डी, और जो लास्ट वाला एरिया कितना 16 इनटू डी। ये बात आई समझ में बच्चों? ट्राई करो। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलो बाकी बच्चे क्या आंसर आ रहा है? सर ऑप्शन बी आ रहा है। ऑप्शन डी आ रहा है।
बी चलो देखो ओके भाई हमें इतना पता है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ पे लाई करें क्या ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू मस्ट बी इक्वल टू ए थ्री इनफ्लो है ना पहले वाले तो ए वन कितना हो जाएगा बच्चों 12 इंटू डी इंटू वेलोसिटी कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर प्लस में ए टू कितना है 8 इंटू डी कितना होता बच्चों 128 सो वी विल बी कितना जगह है ठीक है बी आंसर चलिए नाउ बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम बच्चों बर्नौली थ्योरम इट्स ऑल अबाउट बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इट्स ऑल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फाइनल इक्वेशन क्या बच्चों आपको बताया समझ पी वन प्लस में हाफ रो वी वन स्क्वायर प्लस में रो जी पी टू प्लस में हाफ रो एनर्जी हमेशा क्या रहेगी लिक्विड के बच्चों कांस्टेंट रहेगी ठीक है तो जो फर्स्ट वाली एनर्जी उसको क्या बोलते बच्चों उसको बोलते प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ठीक है बच्चों इट्स प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इट्स काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बच्चों पर यूनिट वॉल्यूम ठीक है इक्वल है बच्चों दो लेवल अगर मान लो इक्वल है इन दैट केस क्या होगा पी वन विल बी इक्वल टू पी टू हो जाएगा सॉरी पी वन इक्वल पी टू रो एच सॉरी रो जी एच वन एंड रो जी एच टू दोनों बच्चे इक्वल हो जाएंगे अगर दोनों का लेवल इक्वल है तो बच्चों ये इक्वेशन यहां तक किस किस को समझ आई यस सर बच्चों प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ मतलब क्या अगर मान लो कि अगर अपना लिक्विड बच्चों एक ही लेवल पे अपना लिक्विड एक ही लेवल पे है ठीक है तो अगर बर्नौली इक्वेशन हम यूज करें हमने अभी डिस्कस किया था अगर एक ही उस पे है लेवल पे तो क्या होगा तो जी एच टू तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे ठीक है क्या बचेगी ये बचेगी और ये क्या बच्चों कॉन्स्टेंट है सो प्रेशर प्लस में हाफ रो बीस अगर मान लो तो प्रेशर कम हुआ तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी अगर वेलोसिटी कम हुई तो प्रेशर बढ़ जाएगा ये बात किस किस को समझ आई यस सर कॉन्सेप्ट अपना यही कॉन्सेप्ट अपना एरोप्लेन के लिए यही सेम कॉन्सेप्ट कैसे देखो मान देखो ऐसे एयर आ रही है देखो बच्चो ऐसे क्या है एयर आ रही है ठीक है अब होता क्या है अब ये एयर तो अपने सीधी सीधी ऐसे निकल गई ठीक है ये क्या होता है बच्चो यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है यहाँ पे बच्चों क्या इकट्ठी हो जाती है तो उसके साथ क्या होता है बच्चो याद करो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर एरिया कम होगा बच्चो तो वेलोसिटी क्या होगी ज्यादा हो जाएगी ये बात किस किस को समझ आई yes. yes, मैं बहुत ज्यादा फ्लो करेगी छोटे से एरिया में तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो जैसे वेलोसिटी बढ़ जाएगी बच्चों वेलोसिटी इंक्रीज इसका मतलब क्या बच्चों इसका ऊपर प्रेशर क्या है इंक्रीज होगा तो नीचे प्रेशर क्या है ज्यादा है ठीक है लोअर प्रेशर और ये मान लो नहीं लोअर प्रेशर नहीं बोलना चाहिए मुझे बॉटम और ये अपना चलो मान लो ए बोल दो ठीक है पीए
तो क्या करता बच्चों, उसको धीरे धीरे ये ऊपर उठाने लगता है इस तरफ। आपने किया कभी ऐसा? आपने कभी कोई मतलब ये किसी छोटे से सुराख में से जब हवा आती है तो आप उसको बिल्कुल रखोगे तो हिलता रहता, नीचे नहीं गिरता, क्यों? अब देखो मान लो गलती से अगर मान लो इधर से अगर ज्यादा चलेगी, इधर से बच्चों ज्यादा चलेगी हवा तो वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे प्रेशर कम होगा ये इधर शिफ्ट कर जाएगा, इधर शिफ्ट करेगा अब इधर से हवा ज्यादा जाने लगी तो क्या इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो ये ऐसे से क्या करता है बच्चों, ऐसे से करता रहता है, ऐसे से हिलता रहता है। चलिए अभी छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। बर्नौली इक्वेशन के बच्चों क्वेश्चन इज, इन ए हॉरिजॉन्टल पाइप लाइन द ऑयल प्रेशर फॉल्स बाय 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बिटवीन टू पॉइंट्स सेपरेटेड बाय 1 किलोमीटर। फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर केजी ऑफ ऑयल एट दीज पॉइंट्स। टेक डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना, 800 केजी पर मीटर। चलो बच्चे वाला क्वेश्चन ट्राई करो। तो यहाँ पे रो जी एच वन वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी दोनों केस में। चलो ट्राई करो। आपको काफी टाइम दे दिया मैंने, इन्होंने देखो इन्होंने क्या दे रखा बच्चों, P1 P2 का प्रेशर डिफरेंस दे रखा ना पहले से, सर ऑप्शन ए।
पेशन है ठीक है, निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर केजी, यानी कि हमें क्या निकालना बच्चों, हमें निकालना है काइनेटिक, तो ये हाफ आएगा, ठीक है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, यस सर, हे वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज कैलकुलेट द ग्रॉस लिफ्ट फोर्स ऑन एन एरोप्लेन विंग ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड विड्थ 2 मीटर, द एयर स्पीड अबाउट द विंग इज 120 मीटर पर सेकंड एंड बिलो द विंग इज 90 मीटर पर सेकंड। बच्चों बिल्कुल डिटो सेम क्वेश्चन है, हमें फोर्स निकालना है, फोर्स क्या हो जाएगा देखो आपको बताता हूँ, देखो मैं लेना है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड V1 इज 90 मीटर पर सेकंड, अगर V2 पे तो 120 है तो P1 क्या है, ज्यादा होगा, तो P1 माइनस Yes, sir. ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि लिफ्ट फोर्स निकालना है बच्चों, तो ये क्या है, तो डेल्टा पी इंटू एरिया, बच्चों प्रेशर इंटू एरिया कहता है, फोर्स होता है ना, बस कर दो इसको, कितनी लेंथ है विंग की 10 मीटर, विड्थ कितनी है,
आंसर बी है। कर रहे सब ठीक है? यस सर। इनफ फॉर दिस सेशन, बाकी फिर ये टॉपिक हम उसमें कवर करेंगे, कुछ तो कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर